अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो इस टाइम मैं कैन मार्केट कैप के ऊपर हूँ और 24% के हिसाब से इस टाइम BTC की जो करंट मोमेंट है तो ये 2.81% डाउन है। इथेरियम जो है 3.81% डाउन है और बाइनेंस BNB कैन जो है इस टाइम 4.04% डाउन है। तो सबसे पहले चलते हैं फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की तरफ। और आज जो है मार्केट के अंदर एक एक्सट्रीम फियर है। और अब चलते हैं कैन ग्लास डेटा के ऊपर। तो 4 घंटे टाइम फ्रेम के ऊपर पर बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर BTC के ऊपर जो लॉन्ग की पोजीशन ओपन है वो 49.57% की पोजीशन जो है वो लॉन्ग की ओपन है और जो शॉर्ट की पोजीशन ओपन है वो 50.43% की जो करीब पोजीशन है वो शॉर्ट की ओपन है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो सिर्फ मेनली BTC के साथ ही लिमिटेड रहेगी और कुछ जो टॉप पेयर्स हैं उनके ऊपर। और इसके साथ जो है एक पूरी डिप की जो है एक सेटअप मैंने बनाई हुई है आप लोगों के साथ जो है इस वीडियो में आज जो है हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे। लेकिन आज जो है आपने मार्केट स्ट्रक्चर और कॉन्सेप्ट को जो है समझने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले हम मार्केट स्ट्रक्चर को जो है 4 घंटे टाइम फ्रेम के ऊपर समझेंगे कि 4 घंटे टाइम फ्रेम के ऊपर पर हमारे पास क्या लेवल है। और इसके साथ जो है वीकली स्ट्रक्चर मैं आप लोगों के सामने वाजी कर लूँगा ताकि आप लोगों को एक प्रॉपर बॉटम का पता चल सके कि कहाँ से एक रिवर्सल जो है एक्सपेक्टेड है। तो ये लास्ट नाइट का चार्ट है और यहाँ पर जो है प्राइस जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी। तो कॉन्ट्रैक्शन पेज जैसे ही बिगिन होती है तो टेक्निकल एनालिसिस की जितनी भी बुक्स आप देख लें उनमें ये साफ तौर पर लिखा हुआ है कि हर कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक एक्सपेंशन में आना होता है और ये इधर अप होगा या डाउन होगा क्योंकि हमें एक प्रॉपर डायरेक्शन एक कॉन्ट्रैक्शन के बाद ही मिलेगी क्योंकि प्राइस जो है कि यहाँ पर कंप्रेस यहाँ पर जो है एक्सपेंड। 4 घंटे टाइम फ्रेम के ऊपर पर हमारे पास जो सपोर्ट है वो है 34 के का रीजन और जो रेजिस्टेंस है हमारे पास वो है 37,600 के करीब जो है वो हमारे पास जो है रेजिस्टेंस है। लेकिन सपोज़ करें अगर आप यहाँ के ऊपर भी एंट्री लेते हैं और प्राइस में जीरो ड्रॉप होती है तो इसको हम कहते हैं कि हम पालिंग ने उसको जो है वो कैच करने की कोशिश कर रही है और हम जो है मज़ीद लॉस में जा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों से जो है कैसे बचें, तो इन चीज़ों के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग के साथ ही स्टिक रहे और एक डिप के अंदर जो है आप अपनी बाइंग जो है वो लगा के छोड़ लें। मार्केट प्राइस के ऊपर आप लोगों ने कभी भी पैनिक जो है एंट्रीज नहीं करनी। BTC USDT पेयर के प्राइस या मार्केट स्ट्रक्चर के इन डिप को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम लोग जो है USDT/D चार्ट को जो है समझने की कोशिश करें। जैसे ही USDT/D चार्ट के ऊपर पर हमें जो है एक प्रॉपर बाउंस बैक मिलेगा तो तभी जो है आर्ट्स की जो मार्केट है या BTC की मूवमेंट है तभी जो है हमें एक अच्छा पुश मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो मार्केट की सिचुएशन और स्ट्रक्चर है वो आप लोग बिगर पिक्चर के ऊपर पर उसे समझने की कोशिश करें। ये सिंपल वर्ड्स में जो है मार्केट से जो है कैश आउटफ्लो का जो ग्राफ है एक हाईयर हाई हाईयर लो कंटिन्यू है और अप ट्रेंडिंग चैनल सिर्फ बनाता जा रहा है ना कि एक डाउन ट्रेंडिंग चैनल। तो हर एक चीज़ का जो है पीक रेजिस्टेंस होता है और ये वीकली जो पीक रेजिस्टेंस है इसकी जो है 5.55% है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ने जो है मज़ीद डिप लेना है क्योंकि इसके बाद जो है तकरीबन ये वाला जो गैप है ये पूरा का पूरा रीजन जो है पीक रेजिस्टेंस की तरफ जो है खाली है। और इस ग्राफ को मैं कब से ट्रैक कर रहा हूँ, जब से ये कॉन्ट्रैक्शन पेस बिगेन था और एक हाईयर हाई हाईर लो था तो तकरीबन 2 महीने से ऑलमोस्ट हम लोगों ने प्रॉपर ट्रेड्स नहीं लिए, सिर्फ छोटे मोटे स्केल्प किए हैं और बहुत टाइट स्प्रेड के साथ जो है हमने ट्रेडिंग की है और लॉन्ग जो स्विंग ट्रेड्स हैं हमारे वो प्रॉपर हिट भी नहीं हो रहे क्योंकि एक TP हिट होने के बाद जो है OCO में स्टॉप लॉस बार बार हमारे प्रॉफिट के अंदर जो है हिट हो रहे हैं। सिर्फ एक 2 स्विंग कॉल्स है जो कि लॉस में है, बाकी सभी पेयर जो है हमारे माशाल्लाह वो प्रॉफिट के अंदर जो है क्लोज हो रही है। लेकिन फिर भी जो बिगिनर्स है या न्यू भी है तो वो जो है लॉस पे लॉस कर रही है। उसके पीछे मेन रीज़न ये है कि आप लोग जो है इस पॉइंट तक जो है टच होने का वेट करें 5 पॉइंट। कुछ एंट्री आप बेशक मार्केट प्राइस के ऊपर कर लें लेकिन ये पूरा का पूरा रीजन जो है डोमिनेंसी चार्ट के ऊपर खाली है। जैसे ही ये फिल होगा तो इसका मतलब ये है कि मार्केट से मज़ीद कैश आउटफ्लो जो है पीक रेजिस्टेंस के ऊपर ज़रूरी। अभी यहाँ पर भी नहीं है कि प्राइस डायरेक्ट एक स्मॉल वीक और फिर जो है प्राइस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से जो है डाउनफॉल स्टार्ट हो के प्राइस जैसे ही यहाँ पर आएगी तो हमारे पास जो है न्यू ATH जो है काज होगा। अब
कुछ की लेवल है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर कुछ की लेवल्स है जो अभी आप लोगों के सामने मैं शेयर करूँगा, तो आप लोगों ने उन की लेवल के ऊपर पर जो है लाजमी नज़र रखनी है। जैसे ही USDT/DT के ऊपर पर वो लेवल फुलफिल होगा तो यहाँ पर ये वाले जोन जो है ट्रिगर होंगे। तो सबसे पहले नंबर पर हमारे पास जो की लेवल है, एक मिनट मैं इसको जूम इन कर लूँ ताकि पूरा रीजन आप लोगों के सामने जो है वो मार्क हो सके। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट की लेवल जो हमारे पास है वो ये है, ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर है, 4 आवर के ऊपर बहुत नाइस होगा, लेकिन वीकली के ऊपर आप लोगों ने इन लेवल्स के ऊपर बहुत फोकस करना है। तो 31K का जो रीजन है एक स्ट्रांग सपोर्ट एक्ट करेगा और कैंडल जो क्लोज होगी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर पर तो वो 31700 के करीब जो है कैंडल क्लोजिंग हमें देखने को मिलेगी, और ये लेवल तब फुलफिल होगा जब उधर डोमिनेंसी के ऊपर पर हमारे पास जो गैप मैंने आप लोगों के सामने शेयर किया वो फुलफिल होगा। एनदर ये विक्स है जो कि 28 और 29K की रीजन में हमें देखने को मिलेंगी। तो इन विक्स के ऊपर पर अगर आप लोगों ने इन एरियाज़ को आर्ट्स के अंदर ग्रैब करना है तो आपने पहले ही से डिप में बाइंग लिमिट्स लगा के छोड़ लेने हैं ताकि आप लोगों का नंबर फिर आर्डर बुक में पहले आए। बाज़ लोग ये कंप्लेन करते हैं कि उनके आर्डर जो है वो फुलफिल नहीं हुई, तो आर्डर बुक वर्क ही इसी तरीके से करता है कि जिन लोगों के आर्डर पहले लगे होते हैं तो सिर्फ वही फुलफिल हो कि विक्स में प्राइस जो है दोबारा रिवर्सल इख्तियार कर लेती हैं। तो आप कोशिश करें कि पहले ही से अपने बाइंग आर्डर्स जो एक्सट्रीम बॉटम्स के ऊपर है आप लगाने की कोशिश करें, लेकिन मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर एक पॉइंट के ऊपर पर आप लोगों ने कभी भी एंट्री लगा के नहीं छोड़नी। तो अगर फिर मार्केट में रिवर्सल आता है तो दो लेवल्स जो बिगर पिक्चर के ऊपर मैं सिर्फ आप लोगों को गाइड करने की भी कोशिश करूँ। तो 46K का रीजन जो है स्ट्रांग रेजिस्टेंस एड करेगा और 52K का रीजन, तो बिगर पिक्चर के ऊपर पर ये हमारे टारगेट्स होंगे। इसके वॉक कैंडल क्लोज होगी तो फिर तभी हम जो है न्यू ATH की तरफ जो है रवाना होगी। ये एक ओवरऑल स्टोरी जो है BTC की जो है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर पर है। आप लोगों ने अगेन इन लेवल्स के ऊपर पर जो है बहुत लाजमी जो है नज़र रखनी है। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर पर आप लोग देख सकते हैं ये गैप हमारे पास जो है जैसे ही फुलफिल होगा तो कैश आउट फ्लो मस्जिद जो है यही जो गैप्स मैंने मार्क किए हुए हैं तो तभी जो है ये वाले जोन जो है फुलफिल होंगे। तो इस डिप के अंदर हम लोगों ने बाइंग नहीं की हुई है और ये लिस्ट जो है प्रीमियम मेंबर के लिए डिज़ाइन हुआ था, लेकिन ओवरऑल लोगों के साथ हम इसलिए शेयर करें ताकि आप लोग जो है इस डिप में जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोग जो है अवेल करें। तो इन जोन्स के ऊपर जो है आप लोग इन अच्छे पेयर्स को जो है ग्रैब करने की कोशिश करें। तो इस लिस्ट को जो है मैं आहिस्ता आहिस्ता स्क्रॉल कर लूँगा ताकि आप लोग जो है इनको फिर ग्रैब करने की कोशिश कर सकें। तो ये एक क्विक छोटी सी मार्केट अपडेट की वीडियो थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, और बिगर पिक्चर के ऊपर पर जो मेरे थाट्स हैं मार्केट के तो उम्मीद है वो आप लोगों के सामने जो है क्लियर हो चुके होंगे। तो अभी जो लोग मार्केट प्राइस के ऊपर पर एंट्री ले रहे हैं या ख़ासकर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर पर, तो वो जो है फिर अगेन पैनिक सेलिंग कर लेते हैं और कहते हैं कि हम लोग बाइंग कर रहे होते हैं और मार्केट जो है मज़ीद ड्रॉप हो रही है। तो बिगर पिक्चर के ऊपर पर जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं तो उन्हीं से हमें जो है बाउंस बैक मिलेगा, और 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर पर 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर पर 30 मिनट के जो ट्रेडर है तो उनके लिए ये एक पैनिक सिचुएशन है। तो आप कोशिश करें स्पॉट ट्रेडिंग के साथ ही स्टिक रहें। सिंपल आप लोगों ने जो है अभी स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर OCO का यूज़ करना है तभी आप जो है सेफ रहेंगे। उसकी एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ जो है अभी शेयर कर रहा हूँ। ये हमारी एक ट्रेड टी अभी ENS के ऊपर, तो हमारी स्केल्प TP हिट और प्रॉफिट के अंदर OCO हिट और ये मेन स्टॉप लॉस था, तो बात ख़त्म। तो कुछ ना कुछ जो सेंट्स के अंदर जो भी प्रॉफिट हो, लेकिन इससे होगा ये कि आप लोगों का अकाउंट जो है फ्लोट नहीं होगा। इन अंदर जो कॉल थी हमारी वो लास्ट नाइट जो है वो उसका जो है एक टारगेट जो है हिट हुआ है। खैर इधर तो मैंने लेवल मेंशन नहीं की हुई है,
ऑलमोस्ट यहाँ पर हमारी एंटिटी स्केल्प टारगेट यहाँ पर था, टारगेट वन हल्का सा ऊपर, तो इस मतलब अभी भी ये 4 to 6% गेन में ईजली ये चला गया था। मैं इसको मेजर करूँ कि कितनी परसेंट गेन में ये गया हुआ था, 13% गेन में ये गया हुआ था और OCO जो है 6% में जो है लोगों का क्लोज हुआ है। तो बात ख़त्म, दो टारगेट इसके हिट नहीं हुए लेकिन 1.5 टारगेट हिट होने के बाद स्टिल ये 6% प्रॉफिट के अंदर क्लोज हुआ है। तो इससे होगा ये कि आप लोगों का अकाउंट जो है फ्लोट नहीं होगा। तो बिगर पिक्चर के ऊपर तो आप इसे होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके 6-7 हज़ार डॉलर के या 3 हज़ार डॉलर के एक ही कैन के ऊपर पर बाइंग हुई है और वो सपोज़ करें 7 या 6 डॉलर के ऊपर इसकी प्राइस ड्रॉप होती है, तो आप जो है बैडली फ्लोट होंगे और स्टक होंगे। क्योंकि मेजॉरिटी जो मैं देख रहा हूँ कि जितने भी न्यू ट्रेडर्स हैं वो एक ही पेयर के अंदर अपनी सारी USDT इंसर्ट कर लेते हैं, जो कि मैं समझ सकता हूँ कि इंतहाई बेवकूफ़ी है। अनदर जो पेयर है ये टेलीग्राम चैनल के ऊपर पर मैंने इसका चार्ट शेयर किया था, प्राइस इसके ऑलमोस्ट यहाँ पर 86-87 डॉलर के करीब थी। मैंने लोगों को कहा ये ड्रॉप होगी, लोग यकीन ही नहीं करें। मैंने जोन पहले ही से मार किया हुआ है 64 से लेकर 58 के करीब, लेकिन इसका जो एक्चुअल जोन है वो ऑलमोस्ट ये 48 के करीब या 43 के करीब। मैं पर्सनली इसे अगेन पिक करूँगा इन वीक्स के ऊपर पर। ये सिंपल जो है मैंने चार्ट को जो है इन्वर्ट किया हुआ है, जो कि इसकी स्ट्रांग सपोर्ट है और डिविएशन अगर आ सकती है तो 39 और 42 के करीब एक डिविएशन या वीक की शक्ल में इवन इसकी प्राइस जो है मैं ड्रॉप होता देख सकता हूँ। लेकिन वक्ती तौर पर अभी यहाँ पर एक बाउंस बैक मिलेगा और 68 और 70 के करीब प्राइस जो है वो पुश करेगी। तो बिगर पिक्चर के ऊपर पर जो है आप लोग जो है प्राइसेस को जो है ऑब्ज़र्व करने की कोशिश कर सकें, ऑब्ज़र्व करें। तो खैर वीडियो अभी फिर लंबी हो जाएगी और आज जो का जो मेनली हमारा टॉपिक था वो BTC के ऊपर था, लेकिन खैर इसके अंदर मैं BNB भी एक क्विक जल्दी से ऐड कर लूँगा ताकि वीकली के ऊपर पर आप लोगों को फिर जो है लेवल का आइडिया जो है हो सके। 320 के ऊपर पर आप लोग इसके अपने बाइंग ऑर्डर लगा लें और 255 के ऊपर, ये सिर्फ मैंने वीक्स के लिए लगा के छोड़े हुए हैं, मे बी ये कभी भी ट्रिगर ना हो, लेकिन ये अनफुलफिल ऑर्डर्स होते हैं तो उनके साथ मैंने सिर्फ ये दो ऑर्डर्स लगा के छोड़ लिए हुए हैं। तो अगर आप लोग भी लगाना चाहते हैं तो ये दो ऑर्डर्स एक्सट्रीम सिचुएशन में कभी एक वीक की शक्ल में या बहुत अचानक से हिस्ट्री अगर आप मार्केट की चेक करें तो सडन प्राइसेस जो है ड्रॉप हो दिए, तो उनके लिए सिर्फ मैंने ये ऑर्डर्स छोड़े हुए हैं। लेकिन जो प्रॉपर लेवल है इन तक जो है प्राइस जो है ईजली BNB के ड्रॉप हो सकती है। इथेरियम के जो लेवल है इथेरियम के लिए जो जोन मैंने मार्क किया हुआ है तो वो ऑलमोस्ट ये वाला है, तो 2041 के आसपास जो रीजन है यहाँ पर मैं इथेरियम को पर्सनली ग्रैब करने की कोशिश करूँगा कुछ एंट्री मार्केट प्राइस के ऊपर पर। लेकिन ये जो है अभी अगेन कॉन्ट्रैक्ट होकर लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न जो है कंटिन्यू करके इन रीजन्स की तरफ जो है आएगा ईजली। तो खैर ये चार्ट्स जो है मैं आप लोगों के सामने आप लोगों के साथ जो है इंशाल्लाह टेलीग्राम के ऊपर पर जो है वो मैं शेयर कर दूँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखें और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।